हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा वापस से मार्केट का जायजा लेंगे। खास तौर से हम यहां पे बीटीसी की बात करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि बीटीसी के मूव के हिसाब से पूरे मार्केट में उथल पुथल रहती है। मार्केट हल्का फुल्का एक ग्रीन निशान के अंदर है राइट नाउ। बीटीसी की प्राइस चल रही है 20,000 के आसपास चल रही है। अगेन 19,500 और 20,300 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, कोशिश कर रहा है 21,000 के लेवल को पार करने की, बट कहीं ना कहीं एक जब लेवल पे जाता है तो वापस से सेल ऑफ आ जाता है। बीटीसी जो है देखिए एक अच्छे खासे रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। इस रेंज बाउंड से एक मेजर ब्रेकआउट बाकी है या ब्रेकडाउन अभी बाकी है इसका, ओके और वो ज़रूर होगा क्योंकि चार्ट्स पे कुछ सिनेरियोज ऐसे बन रहे हैं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं इस चैनल के लिए, लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। साथ ही हमारा जो अनबॉक्सिंग क्रिप्टो चैनल है उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके ऊपर कोशिश करूंगा डेली ऑल्ट कॉइंस के जो स्कैल्पिंग कॉल्स होते हैं वो लाइव आप लोग के साथ वहाँ पर शेयर करूँ, जो बाकायदा मैं ट्रेड करता हूँ और किस एक्सचेंज को लेकर ट्रेड करता हूँ और कौन सा प्लेटफॉर्म है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जहाँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा बहुत टैक्स से हम बचे, अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमाएं। मेन चार्ट पे जाने से पहले थोड़ा से क्रिप्टो के मैदान को देखते हैं। तो क्रिप्टो का मैदान जो है हरा भरा दिख रहा है। बीटीसी लमसम 20,000 इथेरियम, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। सीधे चार्ट पे लेके चलता हूँ। वापस ये कहूँगा थोड़ा सा हड़बड़ाना मत किसी चीज़ को बाय करने के लिए, ओके। मौके मिलेंगे, अभी यहाँ पे कुछ ऐसे उम्मीद वाले मौके लाए जा रहे हैं ताकि लोग एटलीस्ट 21,000 21,500 के आसपास फंस जाए लॉन्ग करके और स्क्वीज आउट हो। स्टॉप लॉस और स्क्वीज आउट 100% होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ट्स पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बीटीसी की, बात करते हैं, वन डे का चार्ट है। और अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं और पूछूं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है तो यू ऑल विल से कि यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इस हिसाब से फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, ये होता है बुलिश होता है ऊपर की तरफ ये फूटता है। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, अगर ऊपर की तरफ इस हिसाब से दिख रहा है तो वो नीचे की तरफ फूटता है, पहली चीज ये, ओके। अब फॉलिंग वेज पैटर्न को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करता हूँ, ओके, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा देखें क्या हो रहा है अभी। अब इस फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर पहले भी हुआ था, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न के अंदर चला था, साइडवेव चला था, ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ था, ओके। और उसके बाद से राइट नाउ यू है प्राइस इस हिसाब से चल रही है, ओके। आप फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है, या तो वो ऊपर फूटेगा या तो नीचे फूटेगा, ओके। अगर ये सिमेट्रिकल पैटर्न, इसको मैं थोड़ा सा इस हिसाब से करता हूँ, ओके, यहाँ पे, ओके, ये लाइन है, इस लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है प्राइस, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 यहाँ पे, ओके। तो ये जो लेवल है 20,668 या कह सकते हैं सेफर जोन 20,700 से अगर ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो प्राइस है ये फॉलिंग वेज पैटर्न के ऊपर वाला जो लेवल होगा लमसम 22,000 के आसपास जा सकता है। तो अगर इससे ऊपर आता है लॉन्ग स्कैल्पिंग करो, टारगेट रखो 22,000 के आसपास निकल जाना। अब पहला जो इससे पिछले दिन का कैंडल था वो थोड़ा सा एक रेड में है, अभी भी रेड में है, और अगर ये नीचे आता है, नीचे का एक जो सपोर्ट होगा नोट कर लो 19,200 का सपोर्ट है, अगर 19,200 से ये नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम वापस से नीचे का जो लेवल है 17,500 के आसपास देख सकते हैं। स्टिल हम लोग फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर होंगे। अब फॉलिंग वेज पैटर्न को अगर ये तोड़ के और नीचे आ जाता है तो ये इनवैलिडेट हो सकता है और प्राइस हम नीचे तरफ देख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और बेरिश चीज़ें होंगी। और अगर नीचे नहीं आता, यहाँ से हिट होकर फिर वापस से आता है, देन अगेन हमारे जो स्कैल्पिंग वाले टारगेट्स होंगे वो नियर अबाउट 19,800 होंगे। जैसे जैसे फॉलिंग वेज पैटर्न क्लोज होते हुए जा रहा है तो हमारे जो स्कैल्पिंग के लेवल से ऊपर के वो भी कम होते जाएंगे और नीचे का जो लेवल होगा वो भी कम होता जाएगा, ये एक स्प्रिंग की तरह दबता जाएगा और फिर ये ऊपर या नीचे की तरफ उठेगा, ओके। तो ये यहाँ पे एक सिंपल सी मैंने आपको एक एनालिसिस बताई है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और क्या हो सकता है, ओके, सिंपल सी ये।
इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करना है, लेवरेज करना है, देन ट्रेड एट योर ओन रिस्क। कम लेवरेज करो, ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके ही आप इसमें प्रॉफिट कमाओ। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, इसको अगर मैं इस हिसाब से करता हूँ तो यहाँ पे हमको एक बेयर फ्लैग जैसा भी दिख सकता है, दिख सकता है मतलब कि दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको, ये पोल हम इस हिसाब से बना देते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्लू ब्लू सिंपल लाइन ये कर देता हूँ, ये इस हिसाब से हो गया, ठीक है। तो ये पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आपको बताया है, अब ये बेयर फ्लैग भी बताता हूँ। अगर बेयर फ्लैग के हिसाब से चलते हैं तो ये ऊपर का जो एक लेवल है ये वापस से 22,200-22,300 के आसपास दिखा रहा है, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है अगेन 19,200 के आसपास सेम बता रहा है, ठीक है। तो बेयर फ्लैग अगर इस नज़र से देखते हैं, इसको तोड़ता है, देन पोल की हाइट लेके हम नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगेन 14,200, जो मैंने पहले भी आप लोग कहा था कि कहीं ना कहीं जो बैड पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न्स के अंदर जो बैड पैटर्न होता है वो भी कहीं नीचे की तरफ दर्शा रहा है, उस हिसाब से आ सकता है। बट वी हैव टू स्टिल वेट कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इतने आसानी से नहीं होगा कि आप और हम देख रहे हैं कि हाँ हो जाएगा तो शाम तक हो जाएगा। जब आप और हम बिल्कुल अपोजिट सोचेंगे मार्केट के, यानी कि पूरे मार्केट के अंदर एकदम लॉलीपॉप दे दी जाएगी कि भाई अब तो नीचे नहीं आ रहा है, ये तो ऊपर ही चल रहा है, हायर लोस बनाते हुए जा रहा है, हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है, अब इस बार ये ऊपर तोड़ देगा, तो ये जा भी सकता है, 21,000 जा सकता है, 22,000 जा सकता है, और फिर वहाँ से नीचे मारेगा। क्योंकि अभी तक तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा स्क्वीज आउट नहीं हुआ है लॉन्ग वालों का, और स्क्वीज आउट अगर होता है लॉन्ग वालों का, इट ओनली इंडिकेट्स बुलिशनेस, ठीक है। क्योंकि जो स्क्वीज आउट होगा उसके बाद से जो लिक्विडेशन होगी, वो लिक्विडेशन जो होगी हो सकता है प्राइस को और नीचे लेके आएंगे, क्योंकि वो सेल ऑफ होगा मार्केट प्राइस के ऊपर, तो नीचे लेके आएगी। तो अगेन थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट यू हैव टू वेट फॉर दिस लेवल्स। और अगेन जुलाई के अंदर भी फेड के कुछ रेट्स की खुलासा होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात कहूँ तो मार्केट में लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेके, एक्सचेंजेस को लेके, ठीक है, और भी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स है, सब ये बातें थोड़ी सी गड़बड़ी वाली चल रही है। रोज़ कहीं ना कहीं से न्यूज़ आता है कि कहीं पे विड्रॉल्स बंद हो गए हैं, और कहीं पे ये हो रहा है, कहीं पे वो हो रहा है, यूज़र्स फंसे हुए हैं, किसी की लिक्विडेशन हो सकती है, तो बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो जब बड़े बड़े कंपनीज हैं ये डगमगा रही है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल इस डगमगाते हुए माहौल के अंदर। अगर आपको सामने से कुछ लॉलीपॉप वगैरह दिख रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखो कि अभी टाइम नहीं है लॉलीपॉप खाने का, हम बाद में खाएंगे, ठीक है। तो ये था क्विक अपडेट ऑन BTC विथ क्विक लेवल्स की, कहाँ से कहाँ हो सकता है, कब आप लॉन्ग स्कैल्पिंग और शॉर्ट स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ और अपडेट्स होंगे तो आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अनबॉक्सिंग क्रिप्टो को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप ऑल्ड कॉइन्स के अंदर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।